भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लंपी रोग पर नियंत्रण नहीं कर पाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। अपने बयान में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की असंवेदनशील सरकार गौ माता का इलाज ही करवा पा रही है, बल्कि मरने के बाद इन्हें खुले में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से काउ सेस के नाम पर टैक्स वसूल कर अपना खजाना भर रही है। वीर तेजा जी जैसे गौ रक्षक जहां पर रहे हो, जिन्होंने गौवंश की रक्षा करी हो, उन्हें पूछते हो वहां पर जिंदा गाय की रक्षा तो बहुत दूर की बात है, जो मरी हुई गाय है उसको भी इस तरह से फेंका गया है जैसे कि कोई कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी भया भयाव है वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है और वो बीमारी फैलेगी जिस तरह से फेंका हुआ है। कलेक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऊपर से कोई कोई ना आदेश आ रहा है ना कोई सहायता आ रही है, जैसे कि ये उनकी प्राथमिकता ही नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता तो उनकी कुछ और है। मुख्यमंत्री है, राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसकी प्राथमिकता अभी परिवार बचाओ है, गाय बचाओ बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल्ली तुरंत आ जाएंगे, देश राजस्थान के अंदर जो कोई भी घटना हो रही है वो उनके लिए मात्र छोटी सी घटना है।